बारह देने वाला था, वो बारह भी नहीं दिया, घर बना देगा बोला वो भी नहीं दिया, तो आगे कुछ ज़्यादा आगे बढ़ रहा हूँ। हम लोग का जानकारी होना चाहिए क्योंकि हम लोग का ये मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठ कर तो हम लोग तो जाना नहीं है ना ऊपर, हम लोग को तो जीना है ना, है कि नहीं, हम लोग को जीना है, हम भी भारतवासी है ना, हम लोग वोट डालते हैं, सरकार को वोट डालते हैं, लेकिन सरकार से हम लोग का अभी तक हेल्प कुछ नहीं आया हुआ है। द कॉर्ड की टीम पहुंची तीस्ता नदी के किनारे बसा पश्चिम बंगाल का एक गांव तीस्ता बाजार। वहां जाने के पीछे का उद्देश्य था एक पॉलिटिकल सर्वे, लेकिन हमारी टीम ने जो पाया वो शायद ही लोगों को पता होगा। मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, घर बर्तन वर्तन सब, घर में क्या क्या चाहिए सब ख़त्म हो गया, सब उस समय फ्लड के समय सब लेके चला गया वो बाढ़ ने। बहुत नुकसान हो गया, अभी जो रिवर बेल्ट का आदमी लोग अभी शेल्टर हाउस में है, अभी बहुत अभी क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते, उतना नुकसान हो गया। हम लोग को तो उस टाइम में क्या हुआ बैठा अभी गाड़ी चला रहा है, गाड़ी भी चला गया, घर भी चला गया, सब चला गया, हमारे कुछ नहीं बचा है। मेरा तो घर भी गया है, नीचे तला और ऊपर तला, मेरा नहीं सबका गया है, मेरा खाली क्या बोलेगा। अब सब कुछ का दिक्कत हो गया ना, जैसे घर का हुआ, खाना पीना का हुआ, कपड़ा लत्ता का हुआ, भाड़ा कूड़ा का हो गया, बर्तन सब इधर उधर भटकते फिरते थे दूसरे दूसरे के घर में, वो देखिए वो नामो निशान दी मेरे घर का। 4 अक्टूबर 2023 को सिक्किम में अचानक आई बाढ़, लेकिन उस दिन सिर्फ सिक्किम ही नहीं बल्कि तीस्ता पश्चिम बंगाल के घरों को भी अपने साथ बहा कर ले गई। जैसे समुद्र तट पर अपने हाथों से बनाई गई किलों को लहरें एक झटके में बिखेर कर रख देती है। कितना मुश्किल होता है एक मकान बनाना और उस मकान को एक घर में बदलना, क्योंकि जब उस मकान की हर एक ईंट यादें समेटने लगती हैं तभी वह घर बन पाता है। लेकिन अब वह दीवारें टूट चुकी है, ईंट बिखर चुकी है, ना वे अपनी यादें समेट पाए और ना ही जरूरत के सामान, बस उनके साथ रहा तो उनके बदन का वो एक कपड़ा। हम तो जैसे शाम को सोया था, शाम को कपड़ा में वैसे बाहर निकलाया, हमको घर तो लेके गया नदी। काम धंधा अभी बिल्कुल बंद है। हम लोग का काम क्या करता है, हम लोग रिवर राफ्टिंग का काम करता है इधर में, वो रिवर तो अभी खराब हो गया, रोटी नहीं है रिवर का, इसलिए बंद हो गया, राफ्टिंग भी बंद हो गया। सगा सो मदद मिली 75,000 मिला, थोड़ा थोड़ा मिला था, क्या करने एक बार पैसा मिला था 75,000 दिया, वो उसे का बात नहीं थी। अनिल थापा और ममता जी भी आके थोड़ा दिया था दार्जिलिंग में भैया लोग को, घर को हमको भी दिया था, पर उससे कुछ नहीं होगा ना। मैं देखिए सिर्फ 75,000 मिले, मेरा घर तो उतना का नहीं था, 75,000 से क्या होगा बताइए, दो बच्चे पढ़ाई करते हैं दोनों, फिर घर का खर्चा। काम तो अभी कहाँ थप है, अभी तो बैठ के खा रहे हैं, सब आने नहीं लेके चला गया, जो बिजनेस कर रहे हैं वो सामानों सभी भगा के ले गया, कपड़ा लाना सब भगा के ले गया। वो आया था जीटीए का, सौ सब आया घर देखा चला गया, नहीं बोला घर बना देंगे, रिपेयरिंग कर देंगे, तो किराए में बसने का भाड़ा देंगे, कुछ नहीं दिया। सरकार से हम लोग को 75,000 ही मिला था और कुछ भी नहीं मिला, 75,000 ही मिला। सरकार से मदद के नाम में 75,000 मिला है, और उसके बाद में जो जितना है संस्था है, हम लोग जैसे आदमी मान लीजिए आम आदमी लोग
सब लोग इकट्ठा करके कुछ सामान भेजा हम लोग को संस्था सरकार से तो मिला है। सरकार ममता बनर्जी ने दिया है 75,000 वही दिया है। और तो और सामान तो वो अनिल थापा जी वही दे रहा है। जैसे कि वो सर ने दिया है वो राशन पानी अभी तक वही दिया है। और उस सर ने बना दिया है यहाँ रिलीफ कैंप। बोला है सर ने दिला देंगे घर, लेकिन कब दिला देंगे? हम वही पूछना चाहते हैं कि सर से कब देंगे। उसने तो पहले ही बोला था हम लोगों को देंगे तुम लोगों को, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। लॉन्ग टर्म जो होना चाहिए था एज ए परमानेंट, वो कुछ अभी तक हुआ नहीं है। सिर्फ एक ही विक्टिम का शायद यहाँ पे जहाँ तक मुझे याद है टिस्टा में शायद एक ही विक्टिम का जो उसका कम्प्लीटली वॉश आउट हुआ था। हालांकि और भी है वॉश आउट, लेकिन सिर्फ एक ही जन का ही घर बना है। मलबे में डूबा वो मकान, आधे टूटे वो घर और हारा हर एक चेहरा ये संकेत दे रहा था कि सरकार से लोगों की उम्मीद अब टूट चुकी है। मिट्टी से ढकी हर एक चीज निराशा और लाचारी के बीच फंसे इन लोगों की कहानी बता रही थी। पूरा गांव बिखर गया और सरकार घर बना पाई तो सिर्फ एक परिवार का। सरकार तो जो भी अभी चल रहा है अनिल थापा, अभी जो हाईलाइट में वही चल रहा है ना, अनिल थापा राजू विश्वास चल रहा है ना, उनको भी ये मैसेज कर देना कि ऐसा कभी भी किया ना जाए। करना है कर लेंगे, नहीं तो नहीं तो ना कर दीजिए, बस इतने ही है हम लोग का मन। होगा नहीं हम लोग कुछ कर लेंगे ना, लेकिन तम्बू शम्बू टांग के बैठेंगे दूसरी जगह शिफ्ट करके, तम्बू टांगे बैठेंगे, सरकार का वोट नहीं डालेंगे हम लोग। सच में बोल रहा हूँ नहीं डालेंगे, वो कोई भी सरकार वोट नहीं चाहिए हम लोग को, देना नहीं है ना। सरकार क्या कर रहा है अभी तक? मर गया क्या दिया है अभी तक? पब्लिक ने डोनेट कर रहा है हम लोग का। इधर बढ़िया वाला जगह चाहिए सबको, टिस्टावासी को सबको अच्छा वाला जगह पे शिफ्ट करके रहने की व्यवस्था कर दीजिए। अब बारिश के टाइम में ये जगह पे जो नहीं होगा, वो अंकल का तो घड़ी ले गया है, ये अंकल का रहने का भी अभी ठिकाना है कि नहीं। अनिल थापा आया तब बोला कि आपको टिस्टा में कुछ नहीं करने से तो हम नहीं जाएगा, यहीं पर रहेगा, आपको कुछ करेगा तब जाएगा टिस्टा माई कसम, ऐसा बोल के गया। जब रास्ता खुल गया उसका अभी तक नाक मुख कुछ शरीर नहीं देते। चाहते हैं कि यहाँ पर बवाल कर दे और सब अपने अपने जगह में सबका घर बना दे, जितना सके उनके हिसाब से जितना सकेंगे वो जितना करने के लिए। अगर दो ही रूम होता है एक परिवार के लिए तो दो रूम करके ही दे, है कि नहीं? यहाँ किराया भी नहीं मिल रहा है। हम लोग गए थे बाढ़ के टाइम में भी कोई 20,000 कोई 12,000, उस वक्त हमें रहने का लगाने का खाने का पीने का पैसा नहीं है, तो हम उस टाइम कहाँ से दे 12,000 20,000 बताइए। कहाँ का आदमी नेपाल का कर्सन का दार्जिलिंग का सिलीगुड़ी का आके इधर चादर दिया, कपड़ा दिया, चावल दिया, दाल दिया, सरकार क्या दिया अभी तक देखने भी नहीं आ रहा है। क्या किया आने वाली सरकार को? कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? मर जाओ बाढ़ में जाओ साला, सरकार मतलब नहीं है। कोई सरकार आया कोई भी आएगा तो वही है। जब वोट का टाइम होता है ना, वोट का टाइम, वो टाइम आते आके बोलता है कि मेरे को वोट दो, ऐसा करो, प्यार से बात करता है। जो हम लोग का अभी मुसीबत हो गया ना, अभी प्यार से हम लोग उनको बात करने से भी हम लोग कुछ मिलता ही नहीं है। हम लोग का मिलना चाहिए ना, हम लोग भी उनको प्यार कर रहे थे। जो भी सरकार आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्यार से बात करते बस खत्म। उसके बाद वोट डालने के बाद खत्म, वो चला गया अभी, वो उसको दोबारा उसको मोड़ के देखना नहीं है, अभी वो आगे भागना है, ऐसा करता है सारा सरकार ने। मैं देख चुका हूँ जो भी आए, अनिल थापा आया या विनय तामंग आया, विमल गुण गए, सारा भी मैं खट चुका हूँ सारा सरकार के बारे में खट चुका हूँ। केस भी लगा हुआ है मेरा बारे में, केस भी लड़ चुका हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक कुछ नहीं मिला हुआ है। खुद का मैं लड़ चुका हूँ उन लोग के लिए, क्योंकि कोई सरकार आए अच्छा करे तो हम लोग के लिए भला हो बोल के मैं तो खट चुका हूँ। मेरा 2-3 गाड़ी था, केस ला के भी हो चुका है, पता भी है, पूछ लीजिएगा, वो मेरा सारा ख़त्म हो चुका है। तभी भी अभी भी मैं जो भी सरकार आए अच्छा करे जनता के लिए भला करे बोल के मैं सोचता हूँ, लेकिन वो कोई भी सरकार ऐसा नहीं आती है। अभी तो MP का इलेक्शन है, अभी तक तो BJP का सपोर्ट करते थे हम लोग,
ये जो पहाड़ था पहाड़ है बीजेपी का सपोर्ट करा, अब देखेंगे अभी क्या करेंगे, जो हेल्प करेंगे उसी को तो सपोर्ट करेंगे, पर टिल डेट हेल्प नहीं आया अभी तक। पूरा 20 फुट नीचे था नदी, वो 20 फुट ऊपर आ गया बालू से, वो डाइपर करना पड़ेगा NHPC, वो भी नहीं कर रहे है कि नहीं, वो करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन वाल लगाना पड़ेगा, मिट्टी देना पड़ेगा, वो तो नहीं कर रहा है ना, वो लोग ही नहीं कर रहे, था हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जनता है क्या करेंगे। अभी तो है ममता दीदी का सरकार है और MP में से केंद्र सरकार के, दोनों मिलकर करेगी तो ठीक ही है, हम लोग के लिए तो कोई भी सरकार आए काम करे ठीक है। राजू बिस्ता तो अब तक तो मैं उनसे कभी बात ही नहीं की, वो तो आए भी नहीं, मैं देखी भी नहीं, उस टाइम मैं वहाँ हॉस्पिटल में थी, उनके आने के बाद तो कोई आए नहीं, वो अभी तक आए नहीं 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 यहाँ पे कोई, यहाँ पे अनित थापा आए थे, अनित थापा ही आए थे। बहुत ऊंचा में घर था वो, देखिए बच्चा लोग छानी पे खेल रहा है, देखिए ऐसा थोड़ी चलता है, अभी तक तो सरकार ने यहाँ के अभी तक तो कुछ किया गया नहीं है, बस जैसा है वैसा ही है, बस सिर्फ ये बालू सूखा हुआ है इतना ही है, पहले यहाँ पे गीला था अभी सूखा हो गया, किसी को भी जो भी हो जैसा भी नेता हो या राजू बिस्ता हो या विनय तामंग हो या अनित थापा हो, जो भी नेता बनेगा जो भी है उन लोग डिसीजन लेके फॉरन करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का घर तो ऊपर ऊपर है ना, उन लोगों का तो अभी फिर दो तीन महीने के बाद में नदी आएगा तो उन लोगों का घर तो जाने वाला नहीं है ना, हम लोग जाने वाला है ना, उन लोग को सोचना चाहिए ना, वो सोच के उन लोग करना चाहिए, फॉरन करना चाहिए, इम्पोर्टेंट इन्वेंट्रीज करना चाहिए, लेकिन उन लोग कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ आके बोला है हम कर देंगे, तुम लोग टेंशन मत रहना, हो जाएगा जल्दी हो जाएगा, क्या हो रहा है अभी तक देख रहा हूँ, अभी तक क्या नहीं है, 23 का बाद है 24 लाख चालू हो चुका है, अभी तो कुछ हुआ नहीं। चुनाव के वक्त जिन घरों के सामने नेता हाथ जोड़कर खड़े हुए थे, आज उन्हीं बिखरे घरों की जिम्मेदारी लेने से मुंह मोड़ रही है। वह बहती नदी जो इनकी आंखों को राहत देती थी, आज उन्हीं आंखों में आंसुओं का कारण बन चुकी है। जिसके सहारे इनका घर परिवार बसा था, आज वही नदी इन्हें बेघर और बेरोजगार कर चुकी है। कुछ महीनों पहले जिस जगह पर इन लोगों का सब कुछ था, आज उसी जगह पर इनका सब कुछ खत्म हो चुका है। और अब इनकी सबसे बड़ी मांग यही है कि इन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। खिड़की और दरवाजे जो उड़ान का रास्ता खोलने वाली पहली पीढ़ी है, आज उन्हीं खिड़कियों और दरवाजों के सामने सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार एक तरफ पड़ोसी राज्य सिक्किम के लिए 2 दिन के अंदर ही सेंटर द्वारा 44.8 करोड़ की धनराशि अप्रूव कर दी गई, तो वहीं पश्चिम बंगाल के बाढ़ पीड़ित लोग 4 महीने बाद आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमारे देश का हर एक राज्य भारत का हिस्सा है और इस परिवार में माँ बाप की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी है सरकार की, लेकिन इस हालात ने यहाँ के लोगों के मन में पक्षपात की छाप छोड़ दी है और इनके मन में एक बड़ा सवाल यह बैठ गया है कि अगर वे इस परिवार का हिस्सा है तो उनके साथ इतना भेदभाव क्यों।